जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 हो गई है, 3:35 PM, और आज वीकली क्लोजिंग आ गई है दोस्तों। वीक और पहले दिन की जुलाई एक्सपायरी का आगाज तेजी से स्टार्ट हुआ है, तेजी से। कल से ऊपर क्लोज किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने, कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज किया, नंबर वन। तो आज मेरा व्यू यही था कि काउंटर अटैक कैंडल है, घबराइए मत। और कल जो BTST दिया था मैंने 238 पे फ्यूचर बाई दिया था, 340 का टारगेट लिखा था, सुबह ही आ गया, ये कमाल था। कल कैंडल देखी और आज भी आपको 2:46 PM पे बता दिया कि 22,000 का कॉल लेके जाइए, 280 रुपये में मिल रहा है नेक्स्ट वीक वाला। चलिए देख लेते हैं उसकी पोजीशन क्या है। बाईस हज़ार का कॉल, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, मैंने बकायदा दिखाया आपको, 2 जुलाई 280 का माल 323 तो आज ही हो गया, 323 और ज़्यादा ही गया होगा, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ आपको, वीडियो में साफ दिखाया, 280 में ले लीजिए, ठीक है। 600 तक बिक जाएगा आराम से, हो सकता है मंडे को 550 बिक जाए, ठीक है। और बता दिया था लॉजिकली क्यों कि 318 के ऊपर बंद करना चाहिए और 496 के ऊपर बैंक निफ्टी। देखिए क्यों मैं आपको बोला कि ये तेजी है, अब आपको इसको बोलेगा, सब बोलेंगे ऊपर में स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप बना है, वाइट कलर का बना है, प्लस 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 बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। चलिए मैं क्लोजिंग भी आ चुकी होगी तो मैं अपडेट करके क्लोजिंग ही डाल देता हूँ इसमें, तो आज की क्लोजिंग बताता हूँ आपको। पहले तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है, 383 यानी कि 380 का लेवल के ऊपर क्लोज किया है। इस वीक की ओपनिंग थी 10,318 वाज द ओपनिंग दिस वीक। 553 का हमने हाई बनाया था, उसको काउंट मत करिए, 194 का लो बनाया था, लेकिन हमने जहाँ ओपन किया उससे ऊपर क्लोज किया, बल्कि 65 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया, 65 पॉइंट वीक की ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया, पॉजिटिव है। और एक बड़ा पॉजिटिव आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ा निफ्टी के लिए, क्या सुनिएगा बहुत ध्यान से। 2 मार्च को जो वीक थी, क्योंकि 2 मार्च को शायद मंडे होगा, इसमें जो वीक जिस दिन स्टार्ट होती है उसकी डेट आती है, तो 2 मार्च वाली जो वीक थी, 2 मार्च वाली जो वीक थी, उसके बाद की आज तक की निफ्टी की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये वीकली क्लोजिंग। 2 मार्च की वीक के बाद इस तरह का आपको कोई बताएगा ही नहीं, आप अब सब बता देंगे, तो मैं आपको 3:30 बताता हूँ ये चीज़ें। 2 मार्च की वीक के बाद दिस इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग सो फार। अब देखो 9 मार्च की जो वीक थी उसमें क्लोज हुआ था निफ्टी 9,955, तो 2 मार्च के बाद ये हाईएस्ट क्लोजिंग है वीकली क्लोजिंग। कितनी क्लोज किया निफ्टी ने, 10,383 आफ्टर 2 मार्च वीक, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। 2 मार्च वाली वीक का क्लोजिंग था 10,989, यानी कि हम इसको जरूर छूने जाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म 10,989, और यहीं पे हमको निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा 10,000-11,000 के आसपास, इस कैंडल को छूने जाएगा निफ्टी इसी सीरीज में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको, मैं आज डेली चार्ट नहीं देख रहा हूँ, वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, इस कैंडल पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ इसके पिताजी की भी थोड़ी सी सांस फूलेगी, लेकिन अल्टीमेटली कोई भरोसा नहीं है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जब काटेगा तो सबको काट देगा ही। तो फिलहाल तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है वीकली बेसिस पे, और कहीं ना कहीं इसको मंथली क्लोजिंग से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि अब सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इस मंथ में, हालांकि मंथली क्लोजिंग मंगलवार को आएगी, मंगलवार को, मगर वीकली क्लोजिंग इज द हाईएस्ट आफ्टर 2 मार्च वीक। 2 मार्च की वीक के बाद आज तक कितनी वीक हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये पिछले 16 वीक की, इस वीक को लेके
पिछले 16 वीक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, पिछले 16 वीक्स की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है वीकली, नंबर वन पॉइंट। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। कर दिया 500 के ऊपर क्लोज, 592 की क्लोजिंग आई है दोस्तों, 592। तो इस वीक में 491 की ओपनिंग थी, 21,491 और 592 की क्लोजिंग आई है। तो ये भी आपको बता दूं, आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ये भी 9 मार्च के वीक के बाद, ये 2 मार्च नहीं, ये 9 मार्च के बाद की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है, आफ्टर 9th मार्च वीक। तो इसमें कितनी वीक हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 10, 4, 14, पिछले 15 वीक, इस वीक को लेके ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, दिस इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग इन बैंक निफ्टी। तो अब और कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं, आप जितने लोग समझदार हो, प्लस आपको कॉल बाई करवा ही दिया 280 में, जो आखिरी में भी आप देख सकते हो 323 तक तो बिक गया, बल्कि 332 भी बिका था, मैंने देखा था। तो 280 का माल आज ही आज हो गया आपके सामने, मैंने तो आपको बोला। और आप देख लो, आज भी मैंने बैंक निफ्टी का कॉल दिया आपको, 350 रुपये में बाई दिया था, और आपको बोला था स्टॉप लॉस 21,055 का स्टॉप लॉस है। तो आप देखो आखिरी ट्रेड क्या हो रहा है, उससे 180 रुपये ऊपर आपका माल बिक रहा है, इतना ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाया। आपने देखा बजाज फाइनेंस इतना ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाया, बल्कि आखिरी में वापस 2900 के घर में आ गया। तो क्या हुआ, अब बजाज फाइनेंस विल बी द हीरो नेक्स्ट मंडे। क्यों, इसका रीज़न समझाता हूँ। ये कल का लो था 2845 फ्यूचर में, तो आज इसने उस लो को बचाया और वहाँ से खींच लिया 50 रुपये आखिरी में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मंडे का। तो मंडे को शायद अगर कोई वर्ल्ड वार या वैसी कोई न्यूज़ नहीं आए, तो मंडे एक बहुत बड़ा तेज़ी वाला दिन होगा, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। तो बस अभी इतनी ही चर्चा करते हैं, बाकी तो रात को बनाऊंगा वीडियो, आज थोड़ी लेट से बनाऊंगा, घबराइए मत। और ट्रेनिंग का सब डिटेल भी लिखना है मुझे, और साथ थोड़ी तैयारी करनी है। अभी 2-3 जन को मैं सीट दे सकता हूँ, लेकिन जो इमीडिएट पेमेंट करे। और आप लोग को बता देता हूँ, फीस 12,000 रुपये है, 11,999 भी नहीं है। और 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है, रात को 10 बजे तक का टाइम रहता है, सैटरडे एंड संडे। हो सकता है कई बार 11 भी बज जाती है, 12 भी बज जाती है, ये आपको देखना है, लेकिन 4 बजे शाम को स्टार्ट होती है, 2 दिन की है, 12,000, ठीक है, कल से है। तो ये आपको बताना था मेरे, 12,000। बार बार ये पूछने के लिए कोई अगर मुझे मैसेज करता है, उसको भी मैं ब्लॉक मारता हूँ, और लोगों को लगता है मैं रूड हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आई एम रूड। मैं किसी को भी इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ कि भैया आ जा, है ना, जिसको लगे आ जाना, जिसको नहीं लगे तुम अपने घर में, मैं अपने घर में। और मार्केट भी अपनी जगह पे है, खड़ा है, थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ क्या, चलो देख लेता हूँ। अगले हफ्ते 23,000 तो पक्का ही लग रहा है, नेक्स्ट वीक में 23,000 आ जाएगा क्या, ये लीजिए 23,000, तो अगले वीक ही देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट वीक 23,000, नेक्स्ट वीक 23,000 कन्फर्म, ये लीजिए, ये चैनल बन गया आपका, देखिए। और ये चैनल का 20,200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, नीचे में 20,200 और ऊपर में 23,000 का रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस किया तो फिर पूछिए मत, मुझे और पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा 24,000 के लिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी सब हो गया। आज ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साबित कर दिया हर एक दिन, आपको ने देखा सब कुछ एडवांस बोला, और मार्केट ने कितने भी वर्ल्ड मार्केट कैसे भी रिएक्ट वैसे ही किया जैसे मैंने बोला। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन इतने दबाना जितने में मैं संतुष्ट हो जाऊँ, ताकि रात वाला वीडियो और धमाकेदार, ज़बरदस्त,
विथ लॉजिक सब कुछ दे दूँ आपको, लेकिन लाइक्स बहुत चाहिए। प्लस शेयर करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइबर का आपको वादा याद होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है, अगस्त 31 तक अगर 50,000 सब्सक्राइबर नहीं पहुँचते हैं तो 1 सितंबर से मैं ये चैनल में एक भी वीडियो नहीं डालूँगा और किसी से कोई गुस्सा भी नहीं रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग में ध्यान दूँगा, वो काफ़ी है मेरे लिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।